जी हाँ, आइए बात करते हैं दोस्तों आज के ताजा मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार की बहुत ही बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है, बिजली बिल को लेकर भी बहुत अच्छी खबर है, और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार की तरफ से एक नई स्कीम और अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका खाता है तो भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से। तो आप देख पा रहे प्याज 90 रुपए किलो मिलेगा, MMTC करेगी प्याज का आयात। जी हाँ दोस्तों, प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है, और इसी कड़ी में सरकारी कंपनी MMTC 6090 टन प्याज का आयात करने जा रही है। हालांकि अभी इस काम में कम से कम 15 दिनों तक का समय लग जाएगा, और तब तक प्याज की नई फसल भी शुरू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अब प्याज जरूर सस्ता हो सकता है सरकार के प्रयासों के अनुसार, लेकिन खबरें आ रही कि अभी और भी ज्यादा प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं आखिर कितनी तक पहुंचती हैं कीमतें। अगला अपडेट है दोस्तों, सरकार की एक नई योजना है, चाइना से आने वाले गिफ्ट पर रोक लगाएगी सरकार, कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, वो सरकार गिफ्ट के नाम पर ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से आने वाली चीनी उत्पादों पर लगाम लगाने का विचार कर रही है। मौजूदा कानून के तहत 5,000 रुपए तक की कीमत वाले उत्पाद गिफ्ट एवं सैंपल के नाम मंगाए जाते हैं जो ड्यूटी फ्री होते हैं, और एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीनी ई कॉमर्स कंपनियां इस सुविधा का गलत लाभ उठा रही है। तो अब सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिससे गिफ्ट शब्द को हटाया जा सकता है चाइना के इस तरह के कारोबार के लिए। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अच्छी खबर है भारत के लिए। एप्पल कंपनी जो अपने iPhone XR का भारत में प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है, और इससे 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, हाल ही में खबरें आई थी, आपको पता होगा कि एप्पल भारत में कारोबार शुरू करने जा रही है, ये आपने खबर देखी होगी राइट। तो ऐसे में अच्छी बात ये है दोस्तों कि एप्पल ने अपने iPhone XR की असेंबली इंडिया में शुरू कर दी है, और इससे घरेलू बाजार में बिक्री होगी, और सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि इससे भारत में तकरीबन 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, और अलग अलग फील्ड के अलग अलग पोस्ट के ऊपर जॉब नौकरियां मिलेगी लोगों को। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में अब 80 नंबर के पेपर और 27 में होंगे पास। जी हाँ, मध्य प्रदेश को लेकर यह खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक विभाजन में संशोधन कर दिया, और इसके तहत अब विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में क्रम से 80 और 70 नंबर के पेपर दिए जाएंगे, शेष 20 और 30 नंबर के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। लिहाजा विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए सिर्फ 27 नंबर की जरूरत होगी। तो ये 10th और 12th बोर्ड के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की तरफ से नया नियम बना दिया गया। अगर आप भी 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अच्छी खबर है एजुकेशन न्यूज के तहत, एक और अपडेट, इसरो के अंदर असिस्टेंट की नौकरी निकली है, 1,42,000 सैलरी होगी। और अगर आप इस भर्ती के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो 13 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक अप्लाई कर सकते हैं। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए isro.gov.in पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह अप्लाई ऑनलाइन की लिंक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, अब तेलंगाना में खुलेगा देश का नया IIM। जी हाँ, IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और सीधा मतलब ये दोस्तों कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने नए IIM खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें आने वाले एकेडमिक सेशंस में कोर्सेज ऑफर शुरू किया जाएगा। तो ये तेलंगाना राज्य के अंदर नया इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही अगला अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है, प्रदूषण न रोकने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। जी हाँ, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की, ठीक है, और इस दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा काफी नाराज भी दिखे। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए प्रदूषण के मामले में 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि आखिर क्यों न राज्य सरकारों पर जनता को स्वच्छ हवा और साफ पानी न मुहैया कराने में असफल रहने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को तो नरक कहा है। ये अच्छी बात है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को चेताया है प्रदूषण को बचाने के लिए, देश के राज्यों को सुधारने के लिए। अब देखते हैं राज्य स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या कार्यवाही करती है प्रदूषण को रोकने के लिए, अपडेट अपन जानते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबर की तरफ। तो मौसम को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे वेदर न्यूज अपडेट के तहत, अगले 24 घंटों के अंदर पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी का अलर्ट जारी है, मैदानी इलाकों में लू का पारा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में मौसम की चाल लगातार बदल रही है, और सर्द हवाओं और तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी के दौर ने भी लोगों को परेशानियों में डाल दिया। और इसी बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है, पहाड़ी इलाके वाले जो राज्य है दोस्तों, उन राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। 27 नवंबर तक उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है, ये स्काई मेट वेदर की तरफ से डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगला अपडेट है, नया निर्देश है, स्कूल परिसर को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग करने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों के लिए नया नियम निकाला है। MP गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग स्कूलों के आसपास तंबाकू रहित वातावरण बनाने में मदद करेंगे, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को
उन टीचर्स को, उन व्यक्तियों को इनाम दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। और इसके अलावा स्कूलों के बाहर 100 मीटर की दूरी तक गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, वेश्यन पदार्थ की दुकानें जो है वो बंद की जाएगी और इन्हें प्रतिबंधित कर हटाया जाएगा। तो एक अच्छा कदम माना जा रहा। और इसी के साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में खुलेंगे 18 अटल आवासीय विद्यालय। स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी घोषणा की है। जी हां, आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन पत्र पर संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 18 आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। और इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि इन विद्यालयों में छात्रों की रुचि के मुताबिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी इनको तैयार किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर रहेगा, इस चीज की बहुत जरूरत है हमारे देश के अंदर, स्किल डेवलपमेंट की, जहां पर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल चीजें सीख पाएंगे, आम जिंदगी से जुड़ी चीजें सीख पाएंगे। ये होता ना दोस्तों कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम 12वीं तक पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, तब तक भी हमें कौन सा बिजनेस कैसे करना है इसका कोई आइडिया नहीं होता है, राइट? क्या आपको पता है कि मोबाइल कैसे बनाए जाते हैं? क्या आपको पता है कि कंप्यूटर्स कैसे बनाए जाते हैं, मॉनिटर कैसे बनाए जाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन कैसे बनती है, कैमरा कैसे तैयार होता है? ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन में क्यों नहीं सिखाई जाती है, क्या आपको पता है? यही स्किल डेवलपमेंट होता है। और उम्मीद है अब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करेगी, ताकि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी दुनिया में जो सीधे गाड़ी का इंजन कैसे बनता है, मोटरसाइकिल कैसे तैयार होती है, इनका सीधा प्रोसेस बताओ ना स्टूडेंट्स को, तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन आज हमारे सिलेबस में शुरू करने की जरूरत है, राइट? अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा डीएलएस भाई के लिए, और दो शब्द नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, सराफा बाजार में सोना चांदी को लेकर क्या रेट चल रहे हैं, तो अच्छी खबर आई है, एक बार फिर से सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। और अभी सराफा बाजार में सोने का दाम 166 रुपए टूट गया और उसके बाद सोने का रेट चल रहा है 38,604 रुपए प्रति 10 ग्राम, ठीक है। वहीं चांदी 402 रुपए घटकर 45,178 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं बात करें दोस्तों देश में आज पेट्रोल डीजल के रेट की, तो महंगाई के सामने पेट्रोल डीजल के अंदर कीमतें बढ़ती ही नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और चीन के व्यापारिक मसलों को सुलझाने की दिशा में हो रही प्रगति और कच्चा तेल उत्पादक व निर्यातक देशों का समूह ओपेक द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती आगे जारी रहने की सहमति की संभावनाएं नजर आ रही है, और इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा रह सकता है। तो सीधी बात है, इंडिया में भी पेट्रोल महंगा ही रह सकता है। और बेसिकली आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट, कीमतें वगैरह कुछ डिटेल। चलिए इसी के साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, बहुत ही दुख भरी खबर आप देख पा रहे, बस और ट्रक की भिड़ंत में 12 लोगों की जान जाने की खबर है। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर यह घटना हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया और उन परिजनों को 5-5 लाख रुपए सरकारी सहायता दी जाएगी। कुल मिलाकर के दोस्तों, ड्राइविंग करते समय हमेशा अलर्ट रहें, बी अलर्ट एंड बी सेफ। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, गोवा में अगर आप नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं, 2020 न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए अगर गोवा जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका चालान कट सकता है। क्यों? तो दरअसल गोवा के परिवहन मंत्री मोविन गोडिनो ने कहा कि राज्य सरकार जनवरी से लागू होने वाले संशोधित मोटर वाहन कानून के अनुरूप यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़ा हुआ जुर्माना वसूल करेगी जनवरी 2020 से ही गोवा के अंदर, है ना, अलर्ट रहिएगा। चलिए इसी के साथ ही अगला अपडेट है, राजस्थान राज्य के अंदर बेकाबू हुआ डेंगू, 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए, जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो आजकल ये सीजन है, मच्छरों का सीजन है, तो सावधान रहिएगा, आप नाइट में सोते समय जरूर अपना इंतजाम पूरा करके ही सोइएगा, क्योंकि डेंगू वाले मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आसपास घर में और बाहर नालियों में पानी जमा ना होने दें। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, नई होंडा सिटी सेडान कार पेश हुई है, दमदार लुक के साथ कई सारे स्मार्ट फीचर्स भी मिलेंगे आपको। इसको 6 कलर वेरिएंट में पेश किया गया और इसकी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पंजाब के अंदर 5 दिसंबर से होगा निवेशक सम्मेलन, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने वाला सम्मेलन, एमएसएमई को भी प्रमुखता मिलेगी। जी हां, पंजाब राज्य के अंदर माहौली में 5 दिसंबर से शुरू हो रहे प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के अंदर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रमुखता दी जाएगी। और दोस्तों, इसमें आपको भी जरूर जाना चाहिए, अगर आपका कोई एक स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप, अगर आप छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए, हो सकता है आपको वहाँ पर इन्वेस्टर मिल जाए, आपकी प्लानिंग, आपकी थीम, आपके बिजनेस की जो ब्लूप्रिंट है उसको देखने के बाद कोई इन्वेस्टर आपसे जुड़ सकता है। तो ये मेला और सम्मेलन होने जा रहा है पंजाब में 5 दिसंबर से, ठीक है। चलिए इसी के साथ ही अगला अपडेट है, रिलायंस जियो से जुड़े 70 लाख उपभोक्ता और दूसरों से टूटे 49 लाख ग्राहक। जी हाँ, जियो आने के बाद दूसरी टेलीकॉम कंपनी की वार से लग गई और ये क्या ग्राहकों के अंदर हेरा फेरी नजर आ रही है, देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश में आप घर बैठे जमा करा सकेंगे बिजली बिल, तुरंत आपको रसीद भी मिल जाएगी। जी हाँ, यूपी के लोगों के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है और ऐसे में अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा कराने के लिए बिलिंग केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक संजय गोयल के मुताबिक इस सुविधा के तहत उपभोक्ता घर बैठे ही मीटर रीडर के पेटीएम पर नगद बिल जमा कर सकेंगे और उन्हें तुरंत रसीद भी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता चाहे तो मीटर रीडर के पेटीएम पर नगद बिल भी जमा कर सकता है। ये नई सुविधा यूपी में शुरू होने जा रही है। बिल जमा होने पर आपके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भी आ जाएगा।
इसी के साथ ही अगला अपडेट है, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया, चेतावनी जारी की है, अगर आप ध्यान नहीं देते तो लाखों का नुकसान हो सकता है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है साइबर फ्रॉड को लेकर, और एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है दोस्तों कि एक तो आप कभी भी ऑनलाइन कस्टमर केयर के नंबर मत ढूंढना, किसी भी बैंक के मत ढूंढना, SBI का ही ठेका नहीं है आपने, है ना, क्योंकि दोस्तों कई सारी ऐसी फेक वेबसाइट होती है जो आपको फेक कस्टमर केयर नंबर दे देती है, जिस पे आप कॉल करते हैं तो आपसे फेक कस्टमर केयर रियल बनकर के बात कर लेता है और आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल चुरा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन नंबर नहीं ढूंढना, दूसरी बात अगर आपको किसी भी बैंक में कॉल करना उसकी ऑफिशियल नंबर चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए उस बैंक की और वहीं से नंबर चेक कीजिएगा। जैसे अभी SBI के 24/7 हेल्पलाइन नंबर है 1800111211, इसके अलावा 1800425380 और एक नंबर भी है, अगर आपके पास कोई साइबर फ्रॉड या बैंकिंग धोखाधड़ी होती है तो आप इन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों कि कभी भी किसी का भी आपके सामने से कॉल आए या बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर के आपसे बात करे तो आप ATM कार्ड डिटेल, पासवर्ड, CV, OTP, बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी कभी नहीं देनी, जिंदगी भर इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, बस इतना ही ज्ञान काफी है तब तक आप बैंकिंग से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, 68,500 भर्ती के लिए 28 नवंबर से फिर से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर 28,500 सहायक अध्यापक भर्ती के चौथे चक्र की भर्ती प्रक्रिया 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर की शाम 5 बजे तक इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर पाएंगे www.upbasicedu.gov.in, यहां से यूपी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, दूध नहीं बल्कि अल्फा टॉक्सिन M1 जहर दे रहे हैं आप अपने बच्चों को, FSSAI की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, ये कड़वी सच्चाई आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। FSSAI क्या है ये तो आपको पता होगा, हमारे देश में जो फूड सैंपल टेस्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है आपको आपके किसी खाने के प्रोडक्ट को कि हाँ ये सही है, ठीक है, उसी FSSAI ने एक रिसर्च की और हमारे देश के अंदर कई अलग अलग डेयरी जो होते हैं, अलग अलग डेयरी जैसे सरस डेयरी वगैरह वगैरह, तो इन सारे डेयरियों के कई सारे अलग अलग दूध प्रोडक्ट्स पर इन्होंने रिसर्च किया और पाया, क्या पाया पता है, इस FSSAI ने 50,000 से भी ज्यादा जनसंख्या वाले 1103 शहरों में दूध के सैंपल लिए और जिसमें से 42% सैंपल जो है वो जांच में फेल हो गए, यानी कि सीधा मतलब है भारत में बिकने वाला तकरीबन आधा दूध जो है वो केमिकल्स डले हुए होता है, इसीलिए आपको सावधान रहना और आप अपने बच्चों के लिए अगर कभी भी दूध का पैकेट वगैरह लाते हैं तो ब्रांडेड डेयरी का ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है आपको अच्छी चीज मिले, अदरवाइज सबसे बेस्ट तो क्या आपको पता ही है, गाय भैंस पालो या गाय भैंस का ही आपके आस पड़ोस में कोई रहता है तो वहीं से लेके आओ, दैट्स नेचुरल एंड प्योर परफेक्ट। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों 29 नवंबर को यानी 29 नवंबर को पूरी दुनिया में ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाएगा, राइट, और ऐसे में ब्लैक फ्राइडे सेल में भारतीय भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर पाएंगे, ये ऑफर वगैरह कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे आपको, हो सकता है अमेजोन के ऊपर, अलीबाबा वगैरह वगैरह कई सारी ऑनलाइन चीजों पर आप स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, होम डिवाइसेज वगैरह कुछ भी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। ईबे ने भी इसको लेकर सेल जारी किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमेजोन का भी हैप्पी होलीडेज पेज वगैरह डिटेल पर आपको जानकारी देखने मिल जाएगी। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, निजी स्कूलों के जैसे ही इस बार सरकारी स्कूलों में भी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम रखा जा रहा है, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर को लेकर अपडेट है और यहाँ पर कई सारी स्कूलों के अंदर 2020 जनवरी के अंदर वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह रखा जाएगा, अच्छी बात है, जिसे प्राइवेट स्कूलों में था उसी तरह से गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब किया जाएगा ना। अगला अपडेट है दोस्तों, पहली बार, जी हाँ पहली बार गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बिना पानी के स्प्रे से नहाएंगे, नासा ने भी इसरो से इस तकनीक को मांगी है। जी हाँ, भारत के अंदर कितना टैलेंट है और भारत के लिए कितनी बड़ी गौरव की बात है कि नासा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, उसने भी इसरो से वो टेक्निक ली है कि आखिर अंतरिक्ष में कैसे ज्यादा दिन रुके तो बिना पानी के नहा सकते हैं स्प्रे से, है ना, कितनी कमाल की चीज, सर्दियों में ये स्प्रे तो लाने का बनता है, राइट। और इसके साथ ही अगला अपडेट है, सरकार जल्द ही लॉन्च करेगी देश का पहला बॉन्ड ETF। जहां भारतीय रोगों के निवेश पोर्टफोलियो में निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा होता है और इनमें लघु बचत योजनाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD वगैरह हो गया, कई सारे म्यूचुअल फंड बॉन्ड हो गए, इसके बावजूद भारत में अब तक एक भी बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF अस्तित्व में नहीं है, जो कि विकसित देशों में तेजी से लोकप्रिय भी हो रहे हैं, तो सरकार विकसित देशों की जैसे ही सुविधा इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत में भी शुरू करने जा रही है, अच्छी बात है, डिटेल इसके आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें खत्म होती है और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सर्दियों के दिनों में होने वाली बारिश को क्या कहा जाता है, जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत पाएंगे एक शानदार मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी गैजेट्स, आपको जीतने का मौका मिलेगा, तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टोडा ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।